कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उनको उनका रुख करेंगे। कुमार, क्या हालात हैं इस वक्त? पानी दोपहर 1 बजे से रुका हुआ है यमुना का, क्या ये इसको एक अच्छे संकेत के तौर पर दिल्ली वाले ले सकते हैं? देखिए, कुछ तो राहत की बात है, कम से कम जो यमुना का वाटर लेवल है, जो जल स्तर है, वो कम हुआ है। कम तो नहीं हुआ है, स्थिर हो गया है। 208.62 मीटर का जो लेवल है उस पर हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि कल से पानी कम होना शुरू होगा। लेकिन हम इस समय सिविल लाइन्स इलाके पे हैं, और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके यहाँ पर कार और नाव दोनों एक ही सड़क पर दिखाई दे रही है। कार डूब गई है, नाव से ही लोगों को आना जाना पड़ रहा है, और ये बहुत पॉश इलाका है दिल्ली का। यहाँ पर ऐसी स्थिति है, यहाँ पर भी लोगों को लगातार परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पानी का स्तर स्थिर है। ये दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन फिर बाकी इलाकों में चूंकि पानी जा रहा है, शायद ये भी वजह हो सकती है कि ये पानी का स्तर कम है। बच्चे भी यहाँ फंसे हुए हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ, कैसे रेस्क्यू? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जा पाएंगे? नहीं, बाहर तो नहीं जा पाएंगे, अंदर ही अंदर देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। बच्चों के साथ तो डर तो लगता ही है, देखिए कितना पानी बढ़ रहा है, और रात तक इसका क्या रहता है कि कितना बढ़ जाता है। तो एक दिक्कत तो रहती ही है, ग्राउंड फ्लोर पे मकाने पर बढ़ रही है कि ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, पर पानी तो बढ़ ही रहा है ऑलरेडी, तो बच्चों को दिक्कत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत होगी, सभी चीजों की, और महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये जो है ये पौश इलाके की हालत है चित्रा, जहाँ पर आमतौर पर दिक्कतें उस तरीके से नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को डर सता रहा है कि ग्राउंड फ्लोर में पानी बढ़ गया तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, कम से कम रात बिताने के लिए तो जरूर।